ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सो श्री राजो वाच। परस्य विष्णुर ईशस्य परस्य विष्णुर ईशस्य मायिनामपि मोहिनीम् मायिनामपि मोहिनीम् मायां वेदेतुमिच्छामो मायां वेदेतुमिच्छामो भगवन्तो ब्रूवन्तु नः भगवन्तो ब्रूवन्तु नः। निमि महाराज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंग्लिश में है, जस्ट कंटिन्यू स्पीकिंग इन हिंदी। उससे पहले ओम ज्ञानातिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। सुनेमी महाराज ने क्वेश्चन पूछा, अब डिस्कशन चल रही है निमी महाराज और नवे किंडरों में। अब पूछ रहे हैं श्री राजो वाचा परस्य विष्णु ईशस्य कि हे राजन, मैं भगवान विष्णु की, परस्य विष्णु ईशस्य जो कि इंसान के, परस्य मीन्स जो कि इंसान के मन और बुद्धि से बियॉन्ड है, माई नाम अपि मोहिनाम, मैं उनकी माया के बारे में सुनना चाहता हूँ। वेदतुम इच्छामो, मैं जानना चाहता हूँ, इच्छामो वेदतुम इच्छामो उनकी माया के बारे में, और उनकी माया कैसी है जो कि सबको मोहित कर लेती है। भगवंत ब्रुवंतु ना, मुझे बताइए। सो क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे भक्ति के बारे में बताया, भक्तों के बारे में, अब मैं माया के बारे में सुनना चाहता हूँ। सो इंटरेस्टिंग सी बात है, क्योंकि हाँ पिछले श्लोक में आ रहा था नहीं कि डिवोटीज की भक्तों को माया छू नहीं सकती है, नहीं। सो वही बात है, अब वो माया के बारे में जानना चाहते हैं। अब पॉपट में लिख रहे हैं श्रीधर स्वामी कि विष्णु और माया मेदम पश्यम, यही पॉइंट उठा रहे हैं। डिवोटी ऑफ कृष्णा शुड सी इंटायर यूनिवर्स टू बी इल्यूजरी पोटेंसी ऑफ लॉर्ड। एक भक्त भगवान की विष्णु माया को समझता है, समझना चाहता है, और ये भी समझना चाहता है कि किस तरह माया इस संसार के पीछे काम कर रही है और जीवात्माओं को भगवान से दूर ले जा रही है। इसलिए देयरफॉर निमि महाराज इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे उसके बारे में और बताइए। सिंपल हो गया। ऐसा नहीं है कि भगवान के बारे में सुनने के बाद उन्होंने माया के बारे में सुनने का मन ही नहीं कर रहा, मतलब ऐसा नहीं है। नहीं, लोग कहते ना कि भी देखो, जैसे मान लीजिए ये नहीं होता, भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर ने राधा कुंड पे उपनिषदों पे लेक्चर दिया एक महीने, तो जितने भी ब्रजवासी थे, जितने भी बाबा जी से, सबने बहुत क्रिटिसाइज किया उनको कि भैया आप राधा कुंड पे बैठ के आप उपनिषदों की बातें कर रहे हो, मतलब संसार क्या है, माया क्या है, उपनिषदों में ये तो ये डिस्कशन है, वो भी राधा कुंड पे बैठ के, तो ये तो उसी तरह हो जैसे अपने खीर में रेत डाल दियो, तो कैसा लगेगा। तो अब मतलब वही बात है, आपने भगवान के बारे में सुना, उनके भक्तों के भक्ति के लक्षण के बारे में, और फिर आप पूछ रहे हो माया के बारे में। तो डिवोटीज कहते हैं एक्चुअली कि अभी इतने अच्छा टॉपिक चल रहा है भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में, गुणों के बारे में, और फिर आप इतना क्या बेकार टॉपिक पूछ रहे हो माया के बारे में। But that's foolishness. इसका मतलब है कि वो बहुत नियो फाइट है। शिला प्रभुपाद ने भी कहा था कि एक डिवोटी को रासलीला उतनी अच्छी लगेगी जितनी भगवान की कुरुक्षेत्र की लीला है, लड़ाई की नहीं। क्योंकि जब जिससे प्रेम होता है उसकी हर चीज अच्छी लगती है, दैट्स द होल पॉइंट। जिससे प्रेम होता है उसकी बातें भी अच्छी लगेंगी, उसकी गाली भी अच्छी लगेगी, समा ऐसे ही होता है। इसलिए क्योंकि हमें भगवान से प्रेम है, तो इसलिए भगवान से कनेक्टेड जितनी भी चीजें हैं
हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो विष्णु और माया, माया किसकी है? विष्णु की है। तो माया के बारे में अगर आप समझोगे तो एक्चुअली विष्णु, एक्चुअली भगवान की महिमा समझ रहे हम। दैट्स द होल पॉइंट। नहीं, इसलिए रूपा गोस्वामी भी लिख रहे हैं इंटरप्रेट डिवोशन में कि महिमा ज्ञान तू पूर्वकम स्नेह इति भक्ति, कि भगवान की महिमा समझ के जब भगवान से स्नेह होता है उसको भक्ति कहते हैं। अगर आप भगवान की महिमा नहीं समझोगे और सीधा भगवान से स्नेह करोगे तो नारद मुनि नारद भक्ति सूत्र में कह रहे हैं जरा नाम एवा, कि वो तो उसी तरह हैं जिस तरह एक लड़के और लड़की में प्रेम है, वो बेकार है। मतलब भगवान को ऑर्डिनरी समझ लिया ना आपने, तो जैसे वही कहते हैं जैसे मेरा लाला मेरे वहाँ के बिहारी, और ये सब बेकार की बात है, यूजलेस है। पहले भगवान की महिमा समझनी पड़ती है, हाउ ग्रेट ही इज। अब भगवान की महिमा समझे कैसे? दैट्स अ होल पॉइंट। भगवान महान है कैसे पता लगेगा? ठीक है आप कहोगे ठीक है भगवान की वृंदावन लीला में भगवान ने गोवर्धन उठाया, कृष्णा महान है, ओके गुड, भगवान ने इतने सारे बड़े बड़े असुरों को मारा सो कृष्णा महान है। बट उससे पूरी तरह भगवान की महानता ना समझ पाओगे ना एक्सपीरियंस कर पाओगे। सो भगवान की महानता समझने के लिए तो भगवान ने आपको, एक्चुअली भगवान गुरु नानक अपने गुरु ग्रंथ साहिब में ही लिख रहे हैं कि भगवान कितने महान है ये समझने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके चारों तरफ इसका प्रमाण है। तो भगवान ने संसार बनाया इसलिए, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना विशाल, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। भगवान ने माया ऐसी बनाई है जो कि आपके मन के बियॉन्ड है, क्योंकि जिससे हम जब इनको पढ़ेंगे सुनेंगे देखेंगे शास्त्रों के अनुसार तो हमें कन्विंस हो जाएंगे कि वेल भगवान हमारे बियॉन्ड है, अचिंत्य खलु ये भावा। नहीं मतलब आप देख लो, आप आसमान ही देख लो इतना बड़ा है, मतलब इसका एंड ही नहीं है, और गैलेक्सीज और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, एक गैलेक्सी नहीं है, और एक एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के बीच में तो इतना डिस्टेंस है कि सोच ही नहीं सकते, लाइट ईयर्स पे बात होती है। नहीं उनको एक यूनिटी बनानी पड़ी कि एक साल में लाइट कितनी ट्रैवल करती है, इतनी दूर दूर है आप जा ही नहीं सकते, तब देख के भगवान का ये किसने बनाया, भगवान। और फिर जब आप समझ लोगे ना कृष्णा कितने महान है, तब फिर भगवान की लीलाओं की एप्रिसिएशन आएगी। तब फिर वो पॉइंट नहीं आएगा कि कृष्णा रासलीला क्यों कर रहे हैं, तब पॉइंट नहीं आता, फिर पॉइंट ही नहीं आएगा कृष्णा, क्योंकि आप इतना महान व्यक्ति जो कि इतना मतलब जो कि वो रासलीला हमारी तरह करेंगे तो पागल बनती है, तब क्वेश्चन नहीं आएगा कि भगवान कौन है। कि हो सकता है शिव और ब्रह्मा भी कृष्ण का इक्वल हो, शिव ब्रह्मा और ये सब तो चीटी भी नहीं है कृष्ण के सामने। भगवान की दृष्टि से देखोगे तो शिव जी की क्या वैल्यू है या ब्रह्मा की क्या वैल्यू है, करोड़ों शिव आ गए करोड़ों ब्रह्मा चले गए सब खत्म हो गया। सो दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए माया समझना चाहते हैं वो। अब इस संसार की रचना भगवान ने माया से ही की है, ये भी तो पॉइंट है ना। तो जब संसार देख रहे हैं तो भगवान की माया आएगी, अब माया कैसे बनी है। तो इसलिए यहां पर अभी नीमी महाराज नविगेंद्र संसार के बारे में भी बताएंगे, प्रलय कैसे होती है, सृष्टि कैसे होती है, और फिर धीरे धीरे वो हमारी चेतना के अंदर जाएंगे कि हमारे अंदर ही माया काम कर रही है, वो कैसे कर रही है। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। टू अंडरस्टैंड फुली द एक्चुअल नेचर ऑफ माया विच कॉजेज, और वैसे भी मैंने पहले ही बताया था कि भक्ति में एकमात्र रुकावट क्या, माया नहीं, एनिमी है ना। सो एनिमी को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप लड़ाई में जीत नहीं पाओगे। ओके सो उन्होंने कहा कि अब नहीं, यही आ गया, लो यही आ गया, न अनुतृप्त है जुशन युस्मात। वो कह रहे कि न अनुतृप्त है, मैं तृप्त नहीं हुआ हूं अभी। निमी महाराज कह रहे भी मैं तृप्त नहीं हूं आपके जुशन युस्मात। जुशन मतलब जो जो आपने बचो हरि कथा अमृतम, जो आपने हरि की कथा बताई है हरि के भक्ति के बारे में, हरि के बारे में, मैं भी तृप्त नहीं हूं। संसार ताप अनिस्तप्तो,
एक्चुअली वो कह रहे हैं कि संसार के जो ताप हैं वो भगवान के बारे में सुनने से यूं खत्म हो जाते हैं, मरते सत ताप अभिषजम। भगवान के बारे में सुनना इस संसार में जो मरने वाले लोग हैं, जो मृत्यु में फंसे हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी भेषजम मतलब मेडिसन है। मतलब वो माया के बारे में सुनने को भी कह रहे हैं कि वो हरि कथा अमृत है। वही प्रभुपाद की बात आ गई कि उसको निवी महाराज को उतना इंटरेस्टिंग लग रहा है भगवान के बारे में सुनना, उनके रूप गुण लीला के बारे में सुनना, जितना माया के बारे में सुनना लग रहा है उतना इंटरेस्टिंग। सबको उतना इंटरेस्टिंग थर्ड फोर्थ कैंटो लगेगा जितना इंटरेस्टिंग टेंथ कैंटो लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। और वो इसलिए नहीं इंटरेस्टिंग लग रहा क्योंकि आपको पूरा कॉस्मोस समझ आ रहा है, वो बात अलग है। वो बात अलग है कि आप कॉस्मोस को अच्छी तरह समझ पा रहे हो, साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, वो बात नहीं हो रही। आपको इसलिए इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि आप वो पढ़ के अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि वेल हमारे भगवान महान, अति महान है। दैट्स द होल पॉइंट। वो बात अलग है, दैट्स अ डिफरेंस, डिफरेंस है उसके अंदर। नहीं मतलब आप बीआई में जाके रिसर्च भी कर सकते हो, बीआई पता है भक्ति जनता इंस्टीट्यूट, साइंटिफिकली रिसर्च भी कर सकते हो कॉस्मोलॉजिस्ट की तरह, हाँ इतनी डिस्टेंस है ये वो है, ठीक है कर सकते हो, दैट्स ओके। अल्टीमेट पॉइंट ये है कि भगवान की अप्रिसिएशन होनी चाहिए उससे। नहीं सो नीमी महाराज खुद ही कह रहे हैं मुझे तो कथा अमृत, हरी कथा अमृत लग रही है, तो मुझे कुछ फर्क नहीं लग रहा, दैट्स ऑल। तभी तो वल्लभाचार्य ने सॉन्ग लिखा है, अधरम मधुरम गमनम मधुरम चलनम, भगवान का जाना मधुर है, भगवान का बैठना मधुर है, भगवान का सोना मधुर है, भगवान का सब कुछ मधुर है, सृष्टि मधुरम सृष्टि मधुर है, भगवान की माया मधुर है, भगवान की सब कुछ मधुर है। विश्वम पूर्ण सुखाय थे, प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं कि मुझे पूरा विश्व सुखपूर्ण लग रहा है, मगर गीता में तो कृष्ण कह रहे हैं विश्व क्या है, दुखा लें, तो ये क्या हो रहा है फिर, या तो वो पागल है हम पागल हैं। सो दुखालयम है या सुख सुखालयम या सुखपूर्ण है क्या है? वेल उनको इसलिए सुखपूर्ण लग रहा है क्योंकि वो जो भी चीज देख रहे हैं उनको पता लग रहा है, उनको उनको याद है कि सब किससे कनेक्टेड है, भगवान से। और हर चीज को देख के भगवान की अप्रिसिएशन बढ़ती जा रही है, भगवान की कीर्ति बढ़ती जा रही है हर इस संसार में हर चीज को देखते हुए, इसलिए उनको सुखपूर्ण लग रहा है, अदरवाइज बेकार है। जैसे जेल ही है, जेल दुखालय में सुखालय में, दुखालय में नॉनसेंस है। बट जब राजा आएगा, राजा खुश होगा, यार क्या जेल बनाया है, नहीं है इतना सही मैकेनिज्म है जेल में, इतने सही सलाखे हैं, अच्छा मेटेरियल यूज किया है, एक भी प्रिजनर नहीं निकल सकता इससे, खुश होगा ना राजा जेल को देखकर। राजा के रिलेटिव्स भी खुश होंगे, यार क्या सही जेल बनवाया राजा ने, बाकी सब सड़ रहे होंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान के डिवोटीज इस जेल को देख के बहुत खुश होते हैं कि परफेक्ट जेल है, यहां से कोई भी नहीं निकल सकता, इम्पॉसिबल है। और किसने बनाया? हमारे भगवान ने, हमारे मास्टर ने। सो इसलिए हमें खुशी होती है बस। यू सी तो हमें पता है कि खराब भी है, सेम टाइम हमें खुशी भी हो रही है, दुखालियम है और सुखालियम भी है, मतलब दोनों ही चीजें हो रहे हैं हमें। नहीं समझ गए? नहीं समझ गए? सिंपली बिकॉज हम भगवान से कनेक्टेड हैं इसलिए। ओके सो इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि भगवान से कनेक्ट होकर दुख भी सुख बन जाता है। तभी तो वो लिखा है कि पाप भी पुण्य बन जाता है भगवान से अगर जुड़ जाओ तो। ओके सो अब ही शोड, अब एक्चुअली एक और पॉइंट लिख रहे हैं, किंग नीमी वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड, अदरवाइज दे वुड हैव बीन नो क्वेश्चन ऑफ हिज पर्सनली कन्वर्सिंग विद एग्जाल्टेड लिविंग एंटिटीज एंड नविवेंद्र। तो कह रहे हैं कि नीमी महाराज जो है डेफिनेटली बहुत बड़े डिवोटी होंगे। हमें कैसे पता? क्योंकि उनसे नविवेंद्र मिलने आ गए। नहीं, नविवेंद्र ही इतने बड़े डिवोटी थे। नविवेंद्र एक्चुअली प्रीचर्स थे और पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करते थे, प्रीचिंग करते, और उनके दर्शन पाना इतना दुर्लभ था।
और नीमी महाराज से मिलने आ गए वो। तो ऑर्डनरी आदमी से तो मिलने नहीं जाएंगे ना, बड़े डिवोटीज। बट इससे पता लगता है नीमी महाराज बहुत बड़े डिवोटी थे। बट स्टिल बट एज अ हम्बल वैष्णवा ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज ऑर्डनरी कंडीशन सोल कवर्ड बाय मेटेरियल डिजिग्नेशंस। अच्छा पॉइंट है, मतलब वो बता रहे हैं कि वेल उन्होंने फिर भी नीमी महाराज क्योंकि इतने बड़े डिवोटी हैं इसलिए वो दीन है, और दीन है इसलिए सोच रहे हैं कि मेरे में भक्ति नहीं है, और क्योंकि वो सोच रहे मेरे में भक्ति नहीं है इसलिए वो भगवान की माया के बारे में जानना चाहते हैं कि जिससे वो माया से बच पाए। सो इनका जो क्वेश्चन है कि माया क्या है, वो एक वैष्णव का क्वेश्चन है। जो वैष्णव नहीं होता वो क्वेश्चन नहीं पूछता है माया के। जो वैष्णव नहीं है वो फिलॉसफी में नहीं जाएगा, यू सी द पॉइंट। जो वैष्णव है वो तो फिलॉसफी समझेगा, साइमल्टेनियसली भगवान की लीलाएं भी पढ़ रहा है वो, और सिद्धांत भी समझ रहा है जो वैष्णव है। जो वैष्णव नहीं है वो सिर्फ लीलाओं में पढ़ा रहेगा, उसको सिद्धांत से कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एडवांस डिवोटी है वो अपने आप को डिवोटी नहीं समझता, उसको लगता है यस मुझे समझना चाहिए शास्त्र, मुझे सब कुछ समझना चाहिए, मुझे अपने आप को सेफ रखना है। नहीं, जो अहंकारी हो कहेगा मुझे क्या जानना है माया है को, ठीक है क्या समझना है, ठीक है चलो, दैट्स अ होल पॉइंट। सो वेल एक और चीज यहां पे लिख रहे हैं कि यहां पे लिख रहे हैं ना कि मैं तृप्त नहीं हुआ। सो एक पॉइंट बोल रहे हैं कि देखो एक्चुअली अगर आप भगवान के बारे में, कृष्ण कॉन्शियस के बारे में सब कुछ भी जान लोगे, भगवान और भक्ति के बारे में, फिर भी आपको और जानने की इच्छा रहेगी। आप कहोगे मैंने तो सब कुछ बता दिया, फिर भी आप और जानना चाहोगे। अब वो इसलिए है क्योंकि एक डिवोटी भगवान को और समझना चाहता है, और जानना चाहता है भगवान के बारे में, क्योंकि प्रेम का लक्षण ही होता है नहीं? सो अगर मान लीजिए टॉपिक्स एंड भी हो गए तब भी भूख नहीं मिटेगी, तो क्या फिर और टॉपिक्स नहीं है? एंडलेस टॉपिक्स है, इसलिए क्योंकि डिवोटी की भूख नहीं मिटती भगवान को जानने में, इसलिए भगवान अपने आप को अनंत रूपों में और अनंत गुणों में डिवाइड कर देते हैं भक्तों के लिए। प्रॉब्लम है ना कि अगर भगवान लिमिटेड है, अगर भगवान लिमिटेड हो, लिमिटेड समझते हो ना, सीमित है, और भक्तों में प्रेम है, और भक्त प्रेम की वजह से भगवान को और जानना चाहते हैं, सीमित है तो खत्म हो जाएगा वो गुण और रूप लीला है, तब सीमित है तो फिर सारे गुण और लीला खत्म हो गई। तो अब उनमें प्रेम है वो तो और जानना चाहते हैं, संतुष्ट नहीं होंगे, है नहीं? तो भगवान क्योंकि भक्तों के प्रेम को संतुष्ट करना चाहते हैं इसलिए भगवान अपने लीलाएं अनंत लीलाएं कर डालते हैं और अनंत गुण। सो एक्चुअली जीवा गोस्वामी पॉइंट लिख रहे हैं कि भगवान अनंत लीलाएं क्यों करते हैं, दैट्स अ होल पॉइंट। नहीं, उनके अनंत गुण क्यों प्रकट करते हैं? भक्तों के प्रेम से आदान प्रदान करने के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करते। क्वेश्चन तो आ गया ना, भगवान ने अनंत लीला क्यों की? तो आप कहोगे भगवान अपने वहां को मजा आ रहा है ना, वे तो अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए भगवान कुछ कर ही नहीं सकते और ना करते हैं, उसको कहते हैं भगवान। भगवान वो होता है जो अपने लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि वो आत्मा राम है ना, संतुष्ट है ना। और दूसरे होते हैं इंसान जो कि दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने लिए करते रहते हैं हमेशा। डिफरेंस यही है एक्चुअली, बहुत एक्चुअली मेन डिफरेंस यही है। इसीलिए एक्चुअली कल वो तो महाराज ने मेल भी भेजा था, एक प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा है किसी को 1977। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं, सिंपल पॉइंट है, बट मैं देख रहा था कि एक्चुअली प्रभुपाद भी वही कह रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेन यू चैंट द होली नेम्स फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा एंड नॉट फॉर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, जब भगवान के आनंद के लिए जप कर रहे हो अपने आनंद के लिए नहीं, तब भगवान के नाम में प्रवेश मिल जाएगा आपको। सो वो क्या है, वो पता है भक्ति करने की सीक्रेट है, और ये सीक्रेट बहुत जल्दी समझ नहीं आती। और क्या सीक्रेट है, क्या है सीक्रेट? भगवान के आनंद के साथ।
वो तो हाँ वो तो ठीक है, ये तो मैंने ही बोला अभी, अगर ये सीक्रेट है तो पता लग गया, मगर फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे भक्ति में, तो क्या कहते हो? क्योंकि आप अगर भगवान के आनंद के लिए भी काम करोगे ना, उसमें भी प्रॉब्लम है। कि क्या प्रॉब्लम है उससे? वो भी है, मगर उससे एक और प्रॉब्लम है, पता नहीं लगेगा। चलो वो तो अगर यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो फिर भी पता लग सकता है वो, अगर गुरु और वैष्णव खुश हैं तो भगवान खुश हैं, ठीक है। मगर एक चीज है इसमें, एक मगर एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। क्या प्रॉब्लम है? क्या कहते हैं? क्वेश्चन समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? ले, हमने बोला कि भगवान के आनंद के लिए काम करता है डिवोटी, मगर ये आंसर में प्रॉब्लम है। क्या कहते हैं? क्या हो गया? मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। अच्छा, तो ऊपर देखना चाहिए ना आसमान। गलत काम भी कर सकता है। मुंह में क्यों उल्टी रख रहे हो? उससे गलत काम भी कर सकता है, उसमें आनंद तो मिलेगा, उसमें नहीं आनंद मिलेगा तो अभी क्या कर रहे हो? उसमें ये प्रॉब्लम है कि आप कह रहे हो भगवान के आनंद के लिए काम कर रहे हैं, तो आप सोचोगे मैं भगवान के आनंद के लिए काम कर रहा हूँ, उसमें भी आप अपने में घुसे हो, अभी भी अपने में घुसे हो, समझ रहे हो आप? अपने ही एंगल से आप भगवान के, अपनी ही दृष्टिकोण से देख के भगवान के आनंद के लिए काम कर रहे हो, अभी भी माया में हो। इसीलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर ने और जितने भी मायावादीज हैं वो एक ही चैप्टर पे फोकस करते हैं हमेशा, दृश्य विचार। जैसे भक्ति संता ने बार बार बोला है, बार बार भक्ति संता की पूरी टीचिंग ही है दृश्य विचार। दृक् दृश्य विचार, दृक् मतलब होता है सीन, सॉरी दृश्य मतलब होता है सीन, दृक् मतलब होता है देखने वाला। सो ये एक्चुअली ऋग्वेद में बहुत बड़ा चैप्टर है और इसी पे बेस्ड है सारी डिवोशन, सारी स्पिरिचुअलिटी। जिसको ये समझ नहीं आया, उसको कुछ भी समझ नहीं आया, वो निकल नहीं सकता माया से। माया यही है तो है, माया यही है कि हम स्कैन कर रहे हैं चीजें, उसी को अहंकार बोलते हैं। अहंकार भी समझने नहीं देगी क्या है। जैसे अभी आपको लग रहा है आप समझ रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो ना माइंड में, कोशिश कर रहे हो एनालाइज करने की, हम माया में हो एक्चुअली, क्योंकि अपने अपने पर्सपेक्टिव से आप देखते जा रहे हो सारी चीजें, इसलिए आपको समझ भी नहीं आएगा पूरा। समझ भी आ जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अपनी अपने माइंड से देख रहे हो ना आप। अब आप कहो भैया फिर अपने माइंड से नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे? नाउ दैट्स अ होल पॉइंट। मैं क्या करूं, वे बैठ जाऊंगा ज़ॉम्बी की तरह? क्वेश्चन तो वहां पे वही है ना। सो वो इंटेलिजेंस वहां पे इस पॉइंट को हटा देगी एक सेकंड में, अपने भी हट जाएगा, क्योंकि भी अपने माइंड से नहीं करूंगा तो क्या करूंगा मैं, ये तो एब्सर्ड है। वो हट जाएगी चीज एकदम से। सो आप इससे कभी नहीं निकल पाओगे, कभी नहीं निकल सकते इससे, क्योंकि डिजाइंड ही ऐसा है, ये पूरा इलॉजिकल है। वो बुद्धि से परे, अचिंत्य खलुए भाव अप्राप्य मनसा सह, बुद्धि से परे है। सो ट्रिक ये है कि आपको अंदर से ना, आपको अपने एंगल से नहीं देखना किसी भी चीज को, भगवान के एंगल से देखोगे तब चीजें समझ आने लगेंगी। अब वो बात है कि आप भगवान के एंगल को भी अपने एंगल से देखोगे, वो प्रॉब्लम है वो। तो ये लूप है, इसमें से ना आप निकल नहीं पाओगे, यही तो माया है, घूमते रहोगे घूमते रहोगे। इसीलिए भगवान के नाम की हेल्प चाहिए, भगवान का नाम उठाएगा आपको इससे, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल चीजें हैं। इस लूप से आप बुद्धि से नहीं निकल सकते, क्योंकि बुद्धि ही अहंकार से बनी हुई है। प्रॉब्लम तो है ना, सारी चीजें अहंकार से बनी हुई है। महातत्व में जब अहंकार मिलता है तो चीजें आती हैं, पढ़ा है संख्या? तो वो चीज ही अहंकार से बनी है, जो चीज ही अहंकार से बनी है आप उससे अहंकार को कैसे हटा दोगे? मतलब आप
आप गीले कपड़े से पानी नहीं पोंछ सकते, क्या कहते हैं? नहीं कर पाओगे, कोशिश कर लो, कितनी कोशिश कर लो, थोड़ा बहुत हो सकता है, और गीला हो जाएगा। ये एग्जांपल भागवतम ही कह रही है, भागवतम ही लिखा है, संख्या में ही। इसलिए कपिल मुनि कह रहे हैं कि इसलिए आप बुद्धि और मन से आप अहंकार से निकल नहीं सकते, क्योंकि वो उसी में अहंकार, वो ही अहंकार से बना हुआ है। इसीलिए ट्रांसजेंडेंटल, इसीलिए उसके बियॉन्ड जाना पड़ता है, और वो बियॉन्ड भगवान का नाम और मेडिटेशन ले जाती है। वो अब भगवान कहां करते हैं, वो बियॉन्ड ले जाते हैं, ट्रांसजेंडेंटल, मन बुद्धि अहंकार उसके परे। तब आप सारी सिचुएशन भगवान के एंगल से देख पाओगे। आप अपने एंगल को छोड़ दोगे, वो छूट जाएगा, वरना वो नहीं कर सकते। आप कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? उसको भी तो अपने आप से समझोगे, उसको भी तो अपने आप से समझोगे। तो जब भगवान का नाम कोई लेते हैं ना, जब प्योर होने लगता है, तो उसका अपना एंगल डिसॉल्व होने लगता है। आप वो कैसे होता है, क्या होता है, वो आप करके ही समझ आएगा, वो ऐसे समझ नहीं आता। समझने वाली बात है नहीं, ये एक्सपीरियंस करने वाली बात है। ओके, समझ आ गया, समझने वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से फिर आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से फिर आप समझ जाओगे। आपको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस समझेंगे तो मेटेरियल इंटेलिजेंस समझ सकते हैं? नहीं, तभी तो वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। सो ये भी बात है, मतलब ऐसा भी है। इसलिए मायावादी कहते हैं, मायावादी से पूछो आप, वो क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय है, अचिंत्य है, यही कहते हैं। एक एंगल में ठीक भी है वो। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि वैष्णव फिलॉसफी 99% मायावाद है, बिल्कुल ठीक है वो। एट द सेम टाइम गलती वो कहां करते हैं? गलती ये करते हैं कि वो आत्मा को परमात्मा बना देते हैं, गलती वहां होती है बस। अदरवाइज उनकी पूरी फिलॉसफी सही है। भक्ति ठाकुर कह रहे हैं 99.9% सही है। अब वो प्रॉब्लम है कि हम अलग रखते हैं उसको, नहीं, और हम एक स्टेप बियॉन्ड लेते हैं कि उनके हिसाब से तो भगवान भी नहीं है, भगवान को भी माया में डाल देते हैं, हमारे आपसे वो है। बट तभी तो वेद और उपनिषद हैं कि हमारे माइंड को पूरा उल्टा कर देंगे, और फिर ये सीक्रेट खुलने लगेगी। तो इसीलिए हम चीजें एक्सेप्ट करते हैं, मतलब समझ रहे हो आप, और फिर उसको हम, अब इसके बियॉन्ड वर्ड्स नहीं है, ये तो अभी अनिर्वचनीय है। वो कैसे होगा? तभी तो कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, माया में क्या है, कौन सा क्या है, मेरे को मेरी शरण लो, माया से बियॉन्ड हो जाओगे क्या? देवेश गुना भाई मामा माया तो रख दिया जाओ। सो ये जो दृग्दृश्य विचार है यही है, और ये वेद में है, और इसको समझना बहुत मुश्किल है। समझना क्या मतलब, आप ये तो एक्सपीरियंशियल लेवल पर जाएगा। ये तो दृग्दृश्य क्या है? मैं देखने वाला हूँ और ये सीन है, देख नहीं, मगर एक्चुअली दृग्दृश्य विचार क्या है कि भगवान देखने वाले हैं और मैं सीन हूं, मैं ऑब्जेक्ट बन रहा हूं भगवान के विजन का। भगवान और उनकी डिवोशन, उनकी फिलॉसफी मेरी विजन का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहे हैं। और स्पिरिचुअल वर्ड में ही चलता है स्पिरिचुअल वर्ड, तभी तो स्पिरिचुअल वर्ड समझना मुश्किल है। मतलब राधा रानी कृष्ण से मिलने क्यों चाहती हैं? क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण उनसे मिलना चाहते हैं, वो अपनी आंखों से देख ही नहीं रही कुछ। वो जब कृष्ण से मिलती हैं तो वो कृष्ण को देख रही है नहीं, वो अपने आप को ही देख रही है भगवान की आंखों से। आपको लग रहा है वो कृष्ण को देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा, वो अपने आप को ही देख रही है भगवान की आंखों से। समझ गए नहीं समझ गए, कुछ और ही चल रहा है। और कृष्णा राधा को देख रहे नहीं, कृष्ण अपने आप को ही देख रहे हैं राधा की आंखों से। भगवान के लिए अपने आप को हाँ बस वो बात है। अब वो कैसे देख रहे हैं वो पता नहीं हमें। तभी तो कहते हैं राधा कृष्ण में, कृष्ण राधा में, है नहीं, यही कहते हैं ना। वो लिटरली ऐसा चल रहा है, लिटरली ऐसा चल रहा है, वो एक दूसरे में है ना। तभी कृष्ण कह रहे हैं मई ते तेषु, जहां पे हम, मैं अपने डिवोटी में और डिवोटी मेरे में, कह नहीं रहे गीता में। वो लिटरली ऐसा है,
हम भगवान को नहीं देख रहे होते, हम अपने आप को देख रहे होते हैं भगवान की दृष्टि से। सॉरी, भगवान अपने आप को देख रहे होते हैं भक्त की दृष्टि से, किसको मुझसे कितना प्रेम है। और जब भगवान अपने आप को देखेंगे हमारी दृष्टि से, तो आप भगवान को चीट कर नहीं पाओगे। भगवान अपने आप को देख रहे हैं हमारी दृष्टि से तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप कैसे कर सकते हो कि भगवान मैं तो आपसे पूरा प्रेम करता हूँ। भगवान कहते हैं भाई मैं अपने आप को देख रहा था तेरी आंखों से, मुझे पता है कि क्या तू क्या सोच रहा है और तू क्या कैसे देख रहा है मुझे। आप चीटिंग हो नहीं सकती है। उसको प्रेम कहते हैं, वो प्रेम से सब संभव है। तभी तो कहते हैं प्रेमा भक्ति जहां होए थे अविद्या विनाश जाती। वो प्रेम से ये हो सकता है डायनेमिक्स। ये नॉलेज से और इंटेलिजेंस से आप इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि तभी तो कह रहे हैं प्रेम की चाल समझना इम्पॉसिबल है। प्रेम जो करा सकता है वो कोई और चीज, ना ज्ञान ना कर्म ना कुछ भी नहीं करा सकता। सो दैट्स द होल पॉइंट। तभी अब हरे कृष्ण, ये पॉइंट क्यों लाया हूं मैं, भगवान के लिए, भगवान के आनंद के लिए काम करना है, वहां से पॉइंट आ गया। पता नहीं भगवान जाने, माया के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। एनीवे माया के बारे में डिस्कशन कर रहे थे ना। सो आप देखो, आप सोच के देखो, आप अगर आप माया को समझना भी चाहोगे ना अभी, तभी अपनी बुद्धि से कर रहे हो, नहीं आप अपने अहंकार से माया को समझने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें भी फंस जाओगे। तो करें क्या भाई, मतलब आपका वो करें क्या, पागल बना दिया हमें तो तभी ओपन सीक्रेट है। तभी एक्चुअली शास कह रहे हैं ठीक है तुम समझने की कोशिश करो थोड़ी, ओके, बट उस समझने में भी एरर्स होगी, तुम्हारे एरर होगी, क्योंकि तुम माया को ऑब्जेक्ट बना रहे हो एनालिसिस का। समझ गए नहीं समझ गए, ऑब्जेक्ट कैसे हिंदी में कैसे कहेंगे, हाँ, तुम माया को दृश्य बना रहे हो और देख रहे हो ऐसी ऐसी है, तो समझने की कोशिश करो, मगर उसमें फॉल्ट और एरर होगी। एरर समझते हैं ना, इसीलिए साथ साथ तुम चैंटिंग करके इस के बियॉन्ड जाने की कोशिश करो, मन के बियॉन्ड जाओ। इसलिए जब कोई आदमी सही से चैंटिंग करता है उसका माइंड स्टॉप हो जाता है, ये सही चैंटिंग है उसका माइंड। तभी तो कहते हैं मन से सारे भौतिक विचार खत्म करो, मन को स्टॉप करना होगा आपको। आपको अपना माइंड यूज नहीं करना होगा, मेटीरियल माइंड वो साइड में रखना होता है, और सिर्फ चैंटिंग करनी होती है, और फिर उससे आप उसके बियॉन्ड जाके आप फिर आप रियली भगवान की दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे। तब तब कुछ चीजें खुलेंगी आपको, वरना तो क्या होगा। अब ये है कि जब डिवोटी भगवान की दृष्टि से देखता है ना, जब देखना शुरू कर देता है, तब माया अपना आखिरी पासा फेंकती है। आखिरी माया उस टाइम भी नहीं रुकेगी, वो कहती है कि तुम ही भगवान हो, क्योंकि आपका अपना एंगल तो पूरा छूट गया। अब वो बुद्धि से नहीं चल रहा, वो आप उसके ऊपर उठ गए, आप अपना एंगल छूट गया, पूरी तरह भगवान की दृष्टि से देख रहे हो, तो आपको लगने लगेगा कि कौन मैं, क्या क्या हूं, मैं भगवान ही हूं, क्योंकि अपना तो खत्म हो गया ना एंगल, मैं भगवान हूं। फिर माया कहेगी यस तुम भगवान हो, और वहां पे फिर मायावादी आदमी बन जाता है, वहां पे फंस जाता है, और वहां से निकलना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हर डिवोटी की लाइफ में स्टेज आएगी, इसीलिए बार बार मायावाद की चर्चा है, क्योंकि लास्ट लास्ट नेट है, नहीं प्रभुपाद लिख रहे हैं क्या कह रहे हैं, लास्ट स्नेयर ऑफ माया, लास्ट चीज है, उससे कैसे निकलोगे, क्योंकि आप पूरी तरह भगवान की दृष्टि से देख रहे हो ना, पूरी तरह 100% मैं ही भगवान हूं, सुबह से निकलना इम्पॉसिबल है। तो अभी मायावादी या वैष्णव जो भी है, ये एक तरह से वैष्णव होने की और मायावादी होने की नकल कर रहे हैं, उसे तो बहुत दूर है। कौन अभी अभी के अभी तो पागल लोग हैं, अभी तो मायावादी, हाँ मायावादी, उनको उनको भी नहीं पता मायावादी क्या है, मायावादी किसी को नहीं पता। मायावादी से पूछो मायावाद क्या है तो उसको खुद ही नहीं पता। मैंने पूछा था शंकरा मठ में आके उत्तरकाशी में, ये हम आपसे मैंने सोचा है इनसे पूछते हैं, तो मेन मठ है ना शंकरा उत्तरकाशी में, मैंने इनसे पूछते हैं कि असली में क्या है, देखे तो सही मायावाद क्या है,
कहते हाँ वो सब जो पैसे कमा रहे हैं माया मायावादी। मैंने कहा पे तुझे नहीं पता माया। फिर हम उसको समझा के आए मायावाद क्या है, हम समझा के आए भाई तेरी फिलोसफी ये है। तो कहते अच्छा इतनी घटिया फिलोसफी है। मैंने कहा तुझे कितने, कहते हैं मुझे 8 साल हो गए। मैंने कहा तू ये उठपटांग यहाँ पे पढ़ा है। कहते अच्छा वे कहाँ है। वो कन्फ्यूज हो गया पूरा। तो देख रहे हो, तो इसलिए मायावाद में आदमी फंस जाता है वहां जाकर। अब वहां कैसे निकलोगे आप, निकल नहीं सकते वहां से। इसलिए बार बार मायावाद की चर्चा है, बार 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 बार। तो एक्चुअली लगता है नहीं इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, मायावाद 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 मायावाद। सारे वैष्णव आचार्य मायावाद सुनते ही काट देते हैं उसको, क्योंकि बाकी चीजों से अहंकार से भी नहीं, मतलब आप काम क्रोध लोभ मोह संसारी प्रेस्टेज और इससे तो निकल जाओगे आप किसी तरह, वो भी निकल लो, वहां से नहीं निकल पाओगे। दैट्स ऑल फिनिश। सो दैट्स द होल आइडिया देयर। समझ गए ना, तो कैसे माया चीज क्या है। अब समझ के भी नहीं समझे, वो भी बात है, ये भी बात है। इसलिए राज विद्या राजगुह्यम, तभी तो भगवान कह रहे हैं इस राजगुह्यम है, मतलब पूरे जीवन चैंटिंग करते रहो, पूरे जीवन कीर्तन करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अपने ही एंगल से देखे जा रहे हो आप, कुछ नहीं होगा, जीरो एडवांसमेंट होगी। जीरो मतलब क्या, 5% 5% को हम जीरो ही मानते हैं, 10% और क्या होगा, फंसे रहोगे। जब तक आप अंदर से परस्पेक्टिव दृश्य चेंज नहीं करोगे, जब अंदर से अपनी आंखों से देखना बंद नहीं करोगे, तब तक आप भक्ति में भी आप पड़े हुए हो। तभी तो कहते हैं भक्ति में भोग करने, तभी तो कहते हैं भक्ति में भोग कर रहे हैं। मतलब जो लोग ये कहते हैं हमें भक्ति में बहुत आनंद आया आज, तो बड़ा हमें इमीडिएटली समझ आते हैं कि आनंद आया, दैट्स अ होल थिंग, मना नहीं कर रहे आया है। बट वो इस तरह नहीं बोलेगा, वो बोलेगा ही नहीं। पहली बात तो बोलेगा ही नहीं हमें आनंद आया बहुत, पहली बात तो चलो छठे बोटी तो बोलता भी नहीं, बोलेगा भी तो इस तरह नहीं बोलेगा। सो इसलिए डिवोटीज की बात समझ नहीं आती, क्योंकि वो किसी और ही एंगल से चल रहे होते हैं। और ऑर्डनरी आदमी कहते ये क्या चल रहा है, तो तभी ये पूछना चाहते हैं माया क्या है, तभी तो पूछ रहे हैं, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है ना। क्योंकि उन्होंने माया नहीं समझेंगे क्या है, तो फिर भक्ति भी नहीं कर सकते, वो चलते रहेंगे हम फिर चलते रहेंगे। सो तो हम लोग तो 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। अब सोच रहे हो हम तो कोई अपराध नहीं कर रहे, वेल दैट्स अ होल पॉइंट। वो सारे अपराध होते रहेंगे ऑलमोस्ट, अगर आपने ये दृग्दृश्य विचार बदला नहीं, अगर आपने उल्टा नहीं किया अपने आप को, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें सोचते हैं कि भगवान का नाम हम कृपा करके हमारी जीभ पे प्रकट हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ वो तो फिर कंसेप्शन ही गलत है, वो गलत है वो। जैसे मैंने बताया कि जैसे हम कल डिस्कस उस दिन कर रहे थे रात को कि जो हम साधना कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये काम क्यों कर रहा है, क्यों काम कर रहा है? क्योंकि भगवान हमसे आशा कर रहे हैं कि हम करें, एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हम करें, इसलिए काम कर रहा है। भगवान ने अपना संकल्प डाला हुआ है इसमें, अदरवाइज क्या, अदरवाइज करते रहो, अदरवाइज तो क्या कुछ भी नहीं होगा। सो ये सारी चीजें अब डिवोटी ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हैं आप, हमें समझ नहीं आते क्यों, क्योंकि वो उनके एंगल से देखे जा रहे हैं ना। आप कृष्णा से पूछो कि भी भगवान ये आपकी सेवा और आपके नाम लेने से कृपा क्यों आ रही है, तो भगवान कहेंगे क्योंकि मैंने इसको ऑथोराइज किया है, है नहीं, तभी तो काम कर रहा है। भगवान ऑथोराइज नहीं करेंगे, नहीं करेगा। भगवान ने हरे कृष्ण को ऑथोराइज किया है ना, तुम्हें जब हो गए तब होगा, प्योर हो गए, आप कुछ और मंत्र नहीं हो। हो सकता है तो हो सकता है सत्ययुग में भगवान किसी और मंत्र को ऑथोराइज कर दें, फिर वो काम करने लगेगा। समझे नहीं समझे? सो दैट्स अ होल पॉइंट। सो एनीवे ये है, कुछ पूछना है कुछ बोलना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल स्टॉप हियर। या अब आपको सीक्रेट पता लग गई भक्ति की। अब मगर ये सीक्रेट को भी समझने के लिए चैंटिंग ही रास्ता है, ये बुद्धि से आप इसको क्रैक नहीं कर पाओगे, आप बुद्धि से नहीं कर सकते। आप कैसे करोगे, बुद्धि से करोगे आप फिर फंस गए उसी के अंदर, नहीं हो सकता।
चैंटिंग, तभी तो कह रहे हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते कीर्तनम, नाम से हो जाएगा, नाम भगवान है ना, वो इस नेटवर्क से बाहर निकाल देंगे, इस जाल से, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके, क्या कहते हो, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, समझ रहे कुछ, मतलब समझ आया, दीर्घ दृश्य विचार ये याद रखना हमेशा। ओके, कुछ पूछना है तो हाँ, मेरी ही कृपा से तुम निकल पाओगे यहाँ से अल्टीमेटली। और डिवोटी को पता है ना, डिवोटी को पता है ना कि डिवोटी समझ सकता है स्टेटमेंट ये, नॉन डिवोटी तो कुछ समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें पता है ना कि एग्जैक्टली क्यों भगवान कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमें एटलीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी तो पता लग गई है, अच्छा मैं उसको क्रैक नहीं कर सकते मगर ये तो पता लग गया कितना क्या कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है, हमें भी पता लग गया कि हम क्रैक नहीं कर सकते, ये तो पता लग गया, तभी तो आप कहोगे भगवान की कृपा से नहीं निकल सकते, नहीं हो सकता भाई ये, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेल्फ रेफरेंशियल है, वो सेल्फ रेफरेंशियल समझते हो, कैसे कहेंगे सेल्फ रेफरेंशियल, सेल्फ रेफरेंशियल मतलब वही कि जहां शुरू हो रहा है वहीं खत्म हो रहा है नहीं, मतलब माया को समझने का है तो वो भी माया ही है, समझ गए ना, तो कैसे उसको क्रैक करोगे, वो घूम रहा है ना इसलिए नहीं तोड़ सकते आप, ये टूट ही नहीं सकता है ह्यूमन एंडेवर से, तभी कृष्ण कह रहे हैं मत प्रसाद मेरी कृपा, तो एक डिवोटी सही से मैं समझ, अब समझ आ रहा है ना कि क्यों नहीं निकल सकता, आपने आपने समझ लिया ना, वरना तो कहते मान की कृपा से हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है हम थोड़ा कर लेंगे, भाई आप नहीं कर सकते अपने आप से, अब समझ आया है, तो तभी तो कहते हैं, तभी मध्वाचार्य कह रहे हैं शास्त्र आपको ये समझाता है कि आप नहीं समझ सकते एक लेवल के बाद, तो आपको आप समझते 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 इस कंक्लूजन पे आ जाओगे कि आप खुद से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, इसको ब्रेक कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स तो एक बहुत छोटी चीज है, कॉम्प्लेक्स को फिर भी सॉल्व कर सकते हो आप, सेल्फ रेफरेंशियल है ये, घूमेगा ये, प्रॉब्लम यहां पर ही है, उसको कैसे तोड़ोगे बताओ, यहां से शुरू करो वहीं पहुंच गए, यहां से शुरू वहीं पहुंच गए, यहां से शुरू वहीं पहुंच गए, कैसे कर लोगे आप, तभी एक और एग्जांपल देते हैं, आप अपनी आंख से अपनी आंख के अंदर नहीं देख सकते, देख सकते हो बाय चांस जोर लगा के देख लो अपनी आंख के अंदर, नहीं हो सकता, क्योंकि आंख देखने का इंस्ट्रूमेंट है ना, अब जो देखने की चीज है उससे थोड़ा ना देख लोगे अपने उसके अंदर, वो हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल मतलब उसके लिए वर्ड इम्पॉसिबल ही होगा, वो 0.001% भी पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ऐसी माया है, वो गोल गोल घूमेगी वो, आप माया, क्योंकि ये सब माया से ही बना हुआ है ना, माया से बनी हुई चीज से माया को कैसे आप क्रैक कर दोगे, हो ही नहीं सकता, तभी कृष्णा कह रहे हैं सरेंडर करो मुझे, ये तो उसी की पावर बढ़ाएगी इसमें है, उसी की पावर बढ़ाएगी, हाँ वो और वो बढ़ जाएगा, इसलिए मायावादी अहंकारी हो जाते हैं पता है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा निकला है, थोड़ा सा ये निकला है कि उसने माया को समझ लिया तो भोग छोड़ लिया उसने, थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा, बट कोई क्रैक कुछ ज्यादा कम क्या, बस फंसा ही हुआ है अंदर ही, सिस्टम में ही पड़ा है, वहीं घूमता जा रहा है, फिर फॉल डाउन हो जाएगा उसका, फिर हो जाता है, फिनिश। चलो भाई, हाँ भाई, हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय।